अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बात करूंगा अपनी बाइंग के बारे में, जो कि इस वीक में हमारी गाड़ियां निकली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ास से 6-7 गाड़ियां हमारी निकली हैं इसी वीक में, और उस पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले लैंड क्रूज़र प्राडो, एक ये हमारी गाड़ी निकली है। इसके अलावा ये मज़दा फ्लेयर में जो सुजुकी वैगनार में FZ गाड़ी होती है, तो ये एक गाड़ी निकली है हमारी, आर ग्रेड में है, और ताफटेक गाड़ी डैमेज कंडीशन में है, ये हमारी निकली है। इसके अलावा जी और कुछ गाड़ियां हैं, होंडा एन वैगन है 4 ग्रेड की, वो हमारी निकली है। असल में मुख्तलिफ़ आईडीज़ होती हैं, तो उसमें जो है मैं ख़ुद बिट करता हूँ, कुछ जो है पार्टीज ख़ुद करती हैं क्लाइंट्स हमारे, जो कि यूट्यूब के थ्रू हमारे पास आए हैं। तो उन सब पे आज इंशाल्लाह बात करेंगे। अपनी गाड़ी आईडी भी खोल लेते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, और इस पे बात करेंगे, सबकी कैलकुलेशन करेंगे क्या कॉस्टिंग आ रही है हमारे पास। तो आप लोग भी रब्ता कर सकते हैं 0333-93-66392 पर मुझसे बात कर सकते हैं, और हम आपके लिए भी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड चाहिए आपको तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, ये वाली गाड़ी है 4 और 4.5 दोनों गाड़ी पे मैंने बिड किया था, लेकिन उसमें से पहला नंबर जो था वो 4 ग्रेड वाली थी। यहाँ पर मैंने 11.5 लाख बिड डाली थी, तो 11:30 में हमारी ये इन वैगन निकली थी। इसके अलावा ये निसान डेज 4.5 ग्रेड की लो माइलेज बेस वेरिएंट है, लेकिन पार्टी के कहने पे हमने बिट कर दिया था, तो 7:41 में ये वाली गाड़ी हमारी उठी है। तो इन सब पे इंशाल्लाह आज बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं जी टोयोटा लैंड क्रूज़र पे, तो ये लॉट नंबर कौन सा है ये आप चेक कर सकते हैं। कंडीशन ये ऊपर से थोड़े से इस पर हल्के डिम्पल्स है, लेकिन कंसर्न था पार्टी को कि भाई लो रेट में चाहिए, सस्ती में पड़े। तो ये 55/33 तो ये लॉट है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये रिज़ल्ट शीट है जो जापान से हमारे पास आती है, क्योंकि USS की रिजल्ट्स हमें शो नहीं होती, जो कंपनी बिट कर रही होती तो उनके पास आता है। इस गाड़ी पे मैंने बिट किया था, हमारे क्लाइंट ने बिट किया था 37,12,000, गाड़ी उठी है जी 35,60,000 में गाड़ी उठी है हमारी। तो इसी के हिसाब से जो है हम ये करेंगे, तो ये 35-60 ये हो गया, और मेरे ख्याल से इन्वाइस आई है इनकी, तो 4.5 लाख जो है इनका फ्रेट है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2.012 रेट चल रहा है, तो चलो रफली 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 80,20,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ जापान के TTK बन गए। अब आते हैं जी अपने एजेंट साहब की शीट खोलते हैं जी, और इसमें हम जो है जीप वगैरह की जो लिस्ट है वो खोलते हैं कि ड्यूटी हमारे पास क्या आ रही है। तो ये जो चेसिस है, चेसिस को चेक कर लिया जाए कि कौन सा है। TRJ 150WOTXL वेरियंट है 7 सीटर, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट में ड्यूटी है इसके लिए TRJ 150W 7 सीटर है जी, 2700 इंजन है, 19 मॉडल है जी, ये भी 19 ही है, तो 1,57,93,000 यन रेट के हिसाब से, MSRP के हिसाब से 1,57,00,000 इसकी ड्यूटी है। तो ये 7 मिनट कर दें, 1,57,00,000 ये एक, ठीक है, ये बन गया। इसमें अदर एक्सपेंस तकरीबन 2.5 लाख तक आ जाता है कराची का, वो ऐड कर दिया। PRC आपको तकरीबन 1,60,00,000 रुपए की, मेरे हिसाब से तकरीबन ये कोई 11-12 लाख के लगभग आपको मिल सकती है, तो चलो 12 लाख रफली लगा ले, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो 2,51,00,000 की आपको ये वाली लैंड क्रूज़र प्राडो, जिसमें सनरूफ भी है और प्यारी गाड़ी, बुरी नहीं है, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। U1 है, इतना बड़ा मसला नहीं है। ये यहाँ पे पेट्रोल जो ढक्कन है यहाँ पे, इसके साथ U2 है। अब आते हैं जी, अच्छा जी इंटीरियर ब्लैक में है, अच्छा ये मैं बता दूँ साथ में, इंटीरियर का ब्लैक में है। अच्छा जी ये मज़दा फ्लेयर पे आते हैं जी, तो मज़दा फ्लेयर 7,72,000 की उठी है जी हमारी, 7,50,000 मैंने बिड डाली थी। 50,000 तक हमारी लिमिट होती है कंपनी के पास, कि भाई वो खुद अपने आप से ऊपर नीचे कर सकते हैं। 772 मॉडल है जी, मल्टीप्लाई इसमें अच्छा फ्रेट एड कर दें, 210 मल्टीप्लाई 2.01 कर दें, प्लस इसमें क्या चीज़ रहती है, अच्छा ड्यूटी, तो 11,30,000 ड्यूटी है, 140 तक अदर एक्सपेंस आ जाना है कराची का, और PRCs की यही कोई 220-230 तक आ जाती है, तो चलो 220 लगा लें। 35 अड्डी के डाल लें, नहीं डाल लें, असल में लाहौर की पार्टी है, मैंने जैसा चले अड्डी के डाल दें, तकरीबन ये 35 तक इसकी गाड़ी जाएगी, इससे कम भी हो सकती है थोड़ा बहुत, एक रफली आइडिया है। अच्छा जी अब आते हैं जी निसान डेज पे, सियालकोट के हमारे क्लाइंट हैं, तो उनके लिए गाड़ी ली है, गाड़ी स्क्रैचलेस है, अच्छी कंडीशन में, और बिल्कुल बेस वेरिएंट है, सबसे सादी गाड़ी है, लेकिन उनको
घर के लिए भी चाहिए थी, उन्होंने कहा कि चलो बाद में भेज भी देंगे, लेकिन अच्छी कंडीशन में उनको चाहिए थी। 741 की गाड़ी है और फ्रेट अभी मुझे याद नहीं है कि इनकी क्या लगी है, मेरे हिसाब से 210 इनकी भी लगी है, मल्टीप्लाई 2.02। अच्छा ये मैंने टीटी निकाल ली इसकी 2.00 में लोकल ईयर, तो 19,02,000 उन्होंने ऑनलाइन कर दिए थे। सराफ ने टीटी निकाल दी इसकी, जो जो है ड्यूटी 11:20-11:25 तक आ जाती है, और प्लस इसमें 140 एड कर दें, 35 अड्डी के डाल दें, 200-220 आप इसमें PRC के डाल दें, तो 34 के लगभग इनको ये कॉस्ट करेगी। अब आते हैं जी इस गाड़ी पे, ये भी बहुत प्यारी गाड़ी है और लग्जरी गाड़ी में आती है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी आते हैं, पिक अच्छी है, एसी इसका अच्छा होता है। होंडा की जितनी भी गाड़ी है, 22 मॉडल है, 4 ग्रेड के, 1 U3 है इसका फेंडर पे, बाकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी है। 12,000 चली है, पर्ल वाइट कलर में है, टर्बो नहीं है जी, टर्बो में अलॉय व्हील्स और इसका फ्रंट का जो मेश है ग्रिल का ये मुख्तलिफ होता है। तो ये गाड़ी उठी है 11,30,000 में। आपको इसकी साथ में ये रिजल्ट शीट भी बताता चलूं, ये देखिए ताफ्ट है, ये मैं अलग से ये कर दूंगा, ये वाली शीट जो है ये एक ही दिन में सारी गाड़ियाँ निकली हैं। ये जी होंडा एन वैगन 11:30 मैंने भी डाली थी, 11:30 पे हमने बॉट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था 1 इन वैगन डोंट इंक्रीज बिड फ्रॉम 11:50, मतलब बिड ऊपर ना करें, ठीक है। तो ये वाली गाड़ी है 11:30 की उठी है जी, 11:30, और इसकी फ्रेट थोड़ी सी एक्सप्रेस रिक्वेस्ट पे कम भी लगी है, क्योंकि टोक्यो से है, बहुत ही अच्छे क्लाइंट है हमारे, तो 195 इनका फ्रेट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई 2.01 कर दें, क्योंकि अभी फ़िलहाल पूरी टीटी नहीं लगाई, 5 लाख निकाल लें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में करेंगे। अच्छा ये आ गई, प्लस इसमें आप ऐड करें ड्यूटी, तो 11:30 ड्यूटी ऐड कर दें, प्लस 150 एक्सपेंस के डाल दें, 140 डाल दें, प्लस 35 अड्डे के डाल दें, प्लस इसमें 82,220 डाल दें, तकरीबन 42 लाख के लगभग ये गाड़ी कॉस्ट करेगी। अब इसके बाद आते हैं जी कौन सी गाड़ी है, देहात सुताफ्ट, ये गाड़ी कितने में उठी है जी, ये रफ़ीक साहब की उठी है, तो 4,13,000 इन्होंने बिड डाली थी, 4:10 में उठी है, गाड़ी की कंडीशन बहुत ही रफ़ है, लेकिन शायद ये इनको रिपेयर कर सकते होंगे, क्योंकि आगे अगर आप देखें टू चेन का हुक लगा हुआ है और बड़ी खस्ता हालत में गाड़ी, फ्रंट शीशा भी डैमेज है, लाइट भी लगी है मेरे ख्याल से, ऊपर इसका मूनरूफ भी डैमेज है, अलॉय व्हील भी साइड से ठीक नहीं लग रहा, पैग्स भी इसके फटे हुए हैं, तो चलें वो शायद इसको रिपेयर कर सकते होंगे, तो ये साथ में आप कर दें। 410 इसकी फ्रेट ज़्यादा लगी है मेरे ख्याल से, 220 है कि कितनी है, क्योंकि ये ड्राइवेबल कंडीशन में नहीं है, तो 220 ऐड कर दें और मल्टीप्लाई 2 कर दें, प्लस ये 23 मॉडल है, तो 13:30 तक या 13:20 तक इसकी ड्यूटी, 13:20 ही डाल दें, प्लस 150 कर दें अदर एक्सपेंस, और इस पे PRC 230 तक आप डाल दें, तो 29,60,000 पे ये कॉस्टिंग आ रही है इसकी, तो मैक्सिमम इस पर तकरीबन 6-7 लाख तो अदर एक्सपेंस आ जाएगा रिपेयर का, तो फर्स्ट को 7 लाख इस पर एक्सपेंस के आ गए, तो 36.5 लाख मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि ग्रेड की गाड़ी यहाँ पर 43 तक जाती है, एक्स की बात करूँ 46-47 तक जो है जी वेरिएंट जाता है, लेकिन असल में ये है भी 23 मॉडल ड्यूटी भी ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कार्ली हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।